गलती शालू का है। कोनो औरत का को गुजर जाए तो क्या बीता होगा उसके पति पे, जरा सोची। अरे भाई, तो ये काम शालुए का है, इसका कोनो सबूत है का उसके पास? शालू के सिवा पूजा को नुकसान पहुंचाने का मकसद और किसके पास है बोले? जो भी हो, धमकी देना तो ठीक बात नहीं ना है। उसको जौन कुछ भी कहना था हमसे आके कहता, हम बात करते शालू से, हम समझाते उसको। सहू हम उसको मना किए थे कि हमारी बहन शालू को ना तो तुम फोन करोगे और ना ही उसके सामने आने का कोशिश करोगे। मंजूर है, मैंने पहले भी उससे ऐसा कुछ नहीं कहा था जिससे उसके भावना को ठेस पहुंचे। मालूम, लेकिन आज के बाद अगर तुम लोगों को उससे किसी भी तरह की शिकायत होती है तो उससे संपर्क करने की बजाय तुम हमसे संपर्क करोगे। जी। और अगर तुम लोगों ने उसके साथ संपर्क करने की कोशिश की तो ये हमारे साथ छल होगा। सम्राट, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने ठीक नहीं किया, तुमको धमकी नहीं देना चाहिए था। चार दिन में सम्राट के केहू से कहा सुनी भेजे का? हाँ, शालू के भाई आयल रहलन, इनकरा के और आपके बेचारे काका कहत रहलन।
आप दोनों चलेंगे देख लेवे के बात करत रहलन। कटपट्टी पर बंदूक रख के लेके जात रहलन। वो तो हम रोने गिड़गिड़ाई नहीं उठकर बैठ के कसम दे ली तब जाके चुड़ल उठकर आके कहीं कहीं वो तो इनकर के कुछ नहीं कहले बड़ा तुम्हारा बाप बेटा का नाटक हम आज ये खत्म कर देंगे। तुमको गोली से नहीं मारेंगे तड़पा तड़पा कर मारेंगे तुमको। तुम्हारा सब हम तहस नहस सब तहस नहस कर देंगे। अब इधर चुप काहे खड़ा बनी चाहे चाहे ढूंढी हमने सम्राट को चाहे कहीं से भी खोज के लाई उकरा के। एक गुड्डू भैया के अब तक कुछ ना कुछ करेंगे पड़े हैं। अब तारा के हमने छोड़ा बड़ा कोनो दिक्कत तो नहीं हुआ ना। अरे नहीं नहीं अभी तुमको जैसा बोले हैं वैसा करो। हम समझाएंगे तुमको क्या करना है। हाँ अब जब वो हमारा दुश्मनी निकालना है तो मेरे साथ निकालो बेटे के साथ नहीं। अच्छा तो यही होगा तुम उसको छोड़ दो। पगला गए हो सवेरे सवेरे भांग चढ़ा के आए हो तुम यहां पर उल्टा सीधा बकवास कर रहे हो। चलो जाओ यहां से दिमाग खराब मत करो हमारा। नहीं जाएंगे हम अपने बेटे को लिए बगैर यहां से हरगिज नहीं जाएंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं हमारे बेटे का अपहरण तुमने किया है। तो इसी में है गुड्डू भैया तुम उसको छोड़ दो। गलत फहमी हुआ है तुमको। हम तुम्हारे बेटे का अपहरण नहीं किए हैं। अब चलो जाओ यहां से। हम फिर कह रहे हैं हमारे बेटे को तुम छोड़ दो हम चुपचाप यहां से चले जाएंगे। नहीं तो का गुड्डू भैया को धमकी दे रहा है तू। हाँ तुम्हारा जैसा आदमी को गुड्डू भैया तुम पटना के बहुत बड़े माफिया हो पर ये मत सोचना कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ए विशंभर सेठ अपना काम कराने के लिए जब तुम जैसे गुंडे को पैसा खिला सकता है तो अपने बेटे को बचाने के लिए खुद भी गुंडा बन सकता है। गलत घर में घुसा है। ये कोनो गुंडा माफिया नहीं है ये तो सिविल इंजीनियर है। सिविल इंजीनियर? अरे एक नंबर का गुंडा माफिया है ये। लोगों से पैसा लेकर अपहरण करवाना कत्ल करवाना नेता और अफसरों को पैसा देकर धमकी देकर लोगों का काम करवाना यही तो काम है। घर में एक सिविल इंजीनियर और बाहर
बाहर एक नंबर का गुंडा मावाली है ये, एक नंबर का गुंडा मावाली। किया है सम्राट ने, का बिगाड़ा है तुम्हारा, का कसूर है उसका, बोलो। देखो विशंभर, तुम्हारा सम्राट को हम अपहरण नहीं किए हैं, इसके अलावा हमको कुछ नहीं कहना। मेरा बेटा है सम्राट, विशंभर सेठ का बेटा, अगर उसे कुछ हुआ तो आग लगा के रख देंगे हम। और हां, दुश्मन को कभी छोटा समझने की भूल मत करना। बाबूजी के गले कितना देर हो गई, अभी तक उनका फोन नहीं आया, पता ना इनकरा बारे में उनके कुछ मालूम भी चला लोगे कि ना। हिम्मत रखा पूजा, ये गैल बाड़न तो जरूर कुछ ना कुछ खबर निकाल के ही आई है। बाजी, गुड्डू भैया इनकरा के छोड़ दिए ना, तो हमारा मन बहुत घबराता। माँ जी, पता चला सम्राट के? नहीं, बुढ़वा मानलस नहीं, लेकिन हमरा के पूरा विश्वास बा कि सम्राट ओकरे कब्जा में बा। पता नहीं काहे हमरा बेटा के पीछे पड़ल बा। का चाहत बा? पैसा ता दे दी ओकरा के, कैसे भी हमार बेटा के वापस लाई। श्रद्धा, घबराओ मत, हम ओकरा के चेतावनी दे के आएल बानी कि सम्राट के सही सलामत लौटा देना ही था। बेटी, तू चिंता मत कर, सम्राट जल्दी घर वापस आ जाए। बाबूजी, अगर गुड्डू भैया के खिलाफ हमने का रपट लिखवाल जाए तो पुलिस छोड़ा ले इनकरा के? नहीं बेटा, पुलिस के नाम सुन के कहीं गुस्सा गए सम्राट के नुकसान भी हो सकेला। हिम्मत करे बेटा, हमरा उम्मीद बा गुड्डू जल्दी सम्राट के छोड़ दे। हिम्मत रखा, हिम्मत रखा, आखिर कब तक रखी हम हिम्मत? बोले बाजी, आखिर कब तक रखी हम हिम्मत? एक तूफान थमक नहीं के दूसरा तूफान आके हिला दे बाबरा के, कैसे संभाली खुद के? पता ना हमने जिंदगी में खुशी के पल निकल भावे की नहीं। बोला बेटी, काहे ना बोली माजी, अपन बच्चा खोवे के गम तो हम बुलाई ना पौनी, और एक अपराध हो गई। हम इनकरा के सब जावत रली कि गोरखपुर चली मत रुकी है जा, लेकिन ये कभी ये बात ना सुन ले। पता ना का दुश्मनी बा भगवान के हमरे से, इतना दिन बाद ही मिलन आल, सोच लेना कि दुख के बादल अब छट गए, अब इन कह सके हंसी खुशी जीवन बिताई, पर भगवान के हमार खुशी देखन लाई गई, फिर से अंधेरा कर दे लेनु हमार जिंदगी में। ना बेटी, कम से कम भगवान कैसे ना बोले के चाहे। चुप हो जाओ।
हम शादी करने के लिए तैयार हैं। पर भैया, इसके लिए आपको हमारी एक शर्त माननी होगी। एक का तुमको जितना शर्त मनवाना है मनवा लो, बोलो। हम अभी सम्राट से मिलना चाहते हैं। सम्राट? सम्राट क्यों आया था तुम्हारे पास? बुरा भला कहने के लिए। जाने अनजाने हमार बहिन हमरे ही सहायता कर रही थी। भैया, आप सम्राट को कभी मत छोड़ना, कभी नहीं, किसी कीमत पर नहीं। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू।